तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग आए सिटी पार्क, अंदर आ गए, बारी मार तो वेलकम हो गया। अपने साथ अब जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा, बुरे दिन अपने आ गए, निकल गए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, होप करती हूँ सब ठीक होंगे। गाइज हम भी ठीक है, और सुबह के बज चुके 10, चाय नाश्ता हमारा हो गया है और अब मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी मैंने बना दी है, आटा भी लग गया है, अब रोटी बनाऊंगी, रोटी वोटी बना के खा के और बाहर जाना है। गाइज कुछ बुक्स वगैरह लाने, किताबें वगैरह जैसे कि रामायण हुई, महाभारत हुई, उनका थोड़ा बहुत उनका पढ़ना है बच्चे के लिए, और कुछ मोटिवेशनल किताबें होती है ना, क्योंकि हम जो हमारा न्यू चैनल खोल रहे हैं ना उस पे पुरानी ऐतिहासिक कहानियाँ, मतलब क्या हुआ, कैसी कोई घटना हुई, विस्तार से बताते हैं ना कहानियाँ पहले के जमाने की, वो वाली किताबें लेके आएंगे तो उनसे कुछ सीख भी मिलती है। तो अभी मैं और मस्तराम जी जाएंगे खाना वाना खा के। अभी नया दौरा नहीं हूँ मैं, क्या पढ़ा रहता हूँ, रात में तो नींद आती नहीं है, रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक जगा रहता हूँ, न एडिटिंग करने का मन करता है न कुछ, ना इस घर में ये हालत हो गई है भयंकर से भयंकर, और ये हाथ पग ना कंपन होते रहते हैं सारी रात, ये हाथ पैर दुखते हैं मेरे तो। मैंने नया चैनल बनाया, अगर सर्चिंग में आता तो सर्च करना लोग मस्तराम तेरी अंकिता, ये सर्च करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक कोई वीडियो मैंने उस पर नहीं डाली है, खाली हम दोनों का फोटो है जो श्याम जी भगवान के साथ में फोटो है, प्लस श्याम जी की वहाँ पे दोनों ने हाथ जोड़ के लगा रखा है। इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे स्टोरी डाल देंगे ना? हाँ स्टोरी डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ऊपरी ऊपर उसकी लिंक, तो डिस्क्रिप्शन ओपन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जाके। उस चैनल पे हम बहुत ही अच्छी चीजें लेके आएंगे आपके लिए, बहुत मजा आएगा। तो अभी हम रेडी हो जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, फिर गोलियां कहाँ पड़ी, ये मेरी गोलियां पड़ी इनकी टेबलेट, तो रात टेबलेट लिए कैल्शियम की, क्योंकि मेरे ना हाथ पैर ना थर 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 कांप रहे थे, दुख रहा था बहुत तेज। जब से आए यहाँ पे नींद का इशू सबसे बड़ा, तो गाइज इस रूम को भी खाली कर देंगे। कहाँ रोज रोज रूम ले, इतना सामान है, कौन तो इसको उठाएगा, कौन इसको भरेगा, भारी है काम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि पहले तो चलो फिर भी पता ही नहीं चलता किसके घर में रहे, अभी पंडित से पूछ के रहूंगा मैं, पंडित जी से पूछने जाऊंगा। पिछली बार अपन आए थे ना शनिवार को आए थे इस घर में, जबकि शनिवार को कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। आज के खाने में बनाया रोटी सब्जी, टेंट सा क्या बोलते हैं उसकी सब्जी है, गोभी की सब्जी है जो कल की, खराब तो नहीं हुई लेकिन कल की सब्जी है, तभी खाना खा लेते हैं। दोस्तों डेली की तरह हम ऐसा मौसम बहुत ही सदाबहार और शानदार हो रहा है, हम लोग रील्स वगैरह बना लिए, अब हम जाएंगे सिटी पार्क। आज क्या क्या लेके आना है? हम जा रहे हैं अभी सिटी पार्क, और सिटी पार्क के बाद में हम लाएंगे बुक्स, यस, कुछ लानी है पौराणिक कथा हुई जैसे पुराने जमाने की कहानियां वगैरह उनकी लानी है, और एक लानी है भागवत कथा जो कि प्रेगनेंसी टाइम पे सुनी जाती है गर्भवती महिला के लिए, वो लानी है। पर पता नहीं इधर तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मस्तराम जी बोल रहे हैं कि वो तो पता नहीं कहाँ पे मिलेगी, टोंक रोड पे मिलती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, हम डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक डाल देंगे, बहुत अच्छी चीजें लाने वाले हम आपके लिए। और मनमोहन तू ना लियो, सुबह से क्या कर रहा था तू? शाम के 4 बज गए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अभी तक भी नहीं आए। हाँ और तू ना के भी ऐसी लग रही है बिना नहाई हुई, क्या फायदा, हाँ पर फायदा क्या निकला, अब हम नहाएंगे तो नए नए लगेंगे ना। राम राम जी गाइस, अभी नहा धो के थोड़े तैयार व्यार होके हम आ गए घर के बाहर, आप देख सकते हो पूरी बारिश ही बारिश हो रही है इधर, पता है कम से कम 1-1.5 घंटे से ना वेट कर रहे हैं, बारिश रुके तो ऑटो मंगवाओ, बारिश रुके तो ऑटो मंगवाओ, अब जाके बारिश रुकी है और अब ऑटो आया है जस्ट इस भैया का, चलो बैठो आपका वेट कर रहा था ऑटो वाला भैया 5 मिनट से, मैडम आए तो बैठो, देख तेरे लिए पर्दा भी लगा के लाया भाई, कहीं हवा नहीं लग जाएगी ताकि, चल बैठो अंदर बैठो जल्दी। गांव में टपरी बना लेते हैं ना गांव में अपने घर वाले, कच्ची वाली वैसी वाली भाई मिल रही है पूरी, देख लो चारों तरफ पर्दे लगा दिए भाई ने, बस आगे से खुला है, अगर आगे से बंद कर देंगे तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। चलो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं सिटी पार्क, अब अंदर एंट्री करने के लिए टिकट कटवाते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग आए सिटी पार्क, अंदर आ गए, बारी मार तो वेलकम हो गया, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली है हमारी, वो प्यार करते हैं हम लोगों को, तो यहाँ की कुछ वाइब अलग ही मिलती है। एक काम करते हैं किधर, पहले अपन एक दो वीडियो बना लेते हैं फिर अंदर चल चलेंगे, जो टेंशन का था अंधेरे की ना। तो गाइस सब्सक्राइब मिल रहे हैं तो कैमरामैन भी अभी कोई सब्सक्राइबर ही है, तो ये अंकिता के साथ में स्लो मोशन बना रहे हैं शायद रील्स। तो गाइस एक और कैमरामैन आ चुके हैं हमारे, पावना जी बड़े चल रहे हैं, मस्त काम, चलो यही चाहिए भाई, आज तेरी बढ़िया 10-20 दिन की रनिंग हो जाएगी। तो गाइस फोटो शूट खत्म ही नहीं हो रहा है,
तो गाइज यहाँ पे सभी भैया के साथ में हमारी रील्स वगैरह बन रही है। आधा घंटा तो हमारा यहीं पे हो गया, हमारी खुद की एक भी रील्स नहीं बनी अभी तक, और इन भैया के इनके सबके साथ में अंकिता की रील्स चल रही है। बहुत मजा आता है, लेकिन अभी अंकिता गर्भवती है ना तो थोड़ा ज्यादा इंजॉय नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन यहाँ आते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी फैमिली है जो हमसे इतना प्यार करती है, इतना मतलब इतना अच्छा व्यवहार रखती है कि फोटो खिंचवाते हैं वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है, अच्छा लगता है। कोई भी पहचान जाए तो मिल जाया करो, बोल लिया करो, क्योंकि हम तो पहचानते नहीं है, लेकिन आप पहचान जाए तो बोल लिया करो, ऐसा कुछ सीन नहीं है ना। तो अभी स्लो मोशन खत्म हो जाए, फिर हम अंदर की शेयर करवाते हैं आप लोगों को। वैसे आज बरसात का मौसम है, काफ़ी अच्छा हो रहा है इधर। हाँ भाई क्या बात है, चड्डा में आ गई? अरे यार यहां का अच्छा ये लागो था कोई ना पापा में क्यों ऐसा क्यों ऐसा यार, इसलिए यो यो बात हो गई यार, बताते हैं। चलो बढ़िया लगा आप सबसे मिल के। तो गाइस सिटी पार्क में आए हुए कम से कम 1.5 घंटा हो गया है, और जब से आई हूँ ना मेरे को बैठना ही हुआ, घर से ये सोच के आई थी कि मैं कहीं ना कहीं एक जगह बैठ जाऊँगी, क्योंकि मिलने वाले भी आए ना उनके साथ में, लेकिन जब से आई हूँ ना तब से फोटो खिंचवाना रील्स बनवाना उन चक्कर में बैठना ही नहीं हुआ। बहुत प्यार मिलता है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी फैमिली का, हम शुक्रगुजार हैं भगवान के कि हमें ऐसे लोग मिले यूट्यूब पे वीडियो बनाने की वजह से। बिल्कुल हाँ, शायद यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते तो कौन जानता, कोई नहीं बच्चा नहीं जानता, लाखों पब्लिक आती है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो ये मान लो कुछ नहीं जानते हमको, पर मैं ये विनती करता हूँ भगवान से और मेहनत करूँगा हमेशा कि मुझे बच्चा बच्चा जानने लग जाए। बिल्कुल, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हम ऐसे रहे स्वीट हार्ट, क्योंकि अभी हमारे अंदर कुछ नहीं है, आगे भी अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं रहेगा, जिनकी नीयत साफ है, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं अच्छे से रहते हैं ना वो आगे बढ़ते हैं। भगवान पे भरोसा है, मुझे इतना साथ हो कि अपने साथ अब जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा, बुरे दिन अपने आ गए निकल गए, कोई नहीं अब अच्छे दिन आएंगे। गाइस ये तीसरी या चौथी बार है हमारा सिटी पार्क का टूर, हमेशा बेटरी होता जा रहा है धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम आए थे तो इतना बेटर नहीं था, अभी थर्ड टाइम है तो थर्ड टाइम और ज्यादा बेटर हो रहा है, और आज बरसात है ना तो इस वजह से ठंड भी है, मतलब गर्मी नहीं है इतनी, तो काफी हद तक सब लोग खुश है और अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं। देखो कपल्स हैं बहुत सारे, और ये मानते कि क्रिएटर बहुत ज्यादा थे, लेकिन क्रिएटर तो आते जो आते पूरी फैमिली भी, फैमिली भी आती है साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिएटरों के लिए बनाया, फैमिली आती है, कपल्स आते हैं, तो तेरे मक्खियाँ चिपकी हुई है पता है, मैं दिन में रील्स बना रहा था ना तब भी तेरे ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी, घर पे नहीं बैठती, कुछ ना कुछ गुड़ खा ली क्या, आपका प्यार है ना उसमें बहुत मिठास है, वो मिल रहा है मेरे। चल 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 बकवास कर रही है, हम बाप को मत सिखा, चल हम अंदर आए तो अंदर भी सब्सक्राइबर मिल गए लेडीज के रूप में, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइयो कि ये किस लिए बना हुआ है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है ये। तो गाइज पहला आदमी आया जी मेरे साथ फोटो खींच रहा है, लव यू भाई। गाइज हम लोग आ गए लास्ट स्टेज पे, मतलब सिटी पार्क का लास्ट स्टेज है ये, बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे एक रील्स हमारी वायरल भी हुई यहाँ की, तो सिटी पार्क तो बहुत दूर रह गए हैं, कम से कम 500 मीटर दूर, और हम आ गए इधर लास्ट, अब इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि हम कितना भी जल्दी आए नाइट हो ही जाती है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू यार जन आधार कार्ड निकाला तूने। गाइज कैसा लगा सिटी पार्क आज नाइट का? बहुत मज़ा आया हम लोगों को, तो अब चलते हैं घर पे, जाना भी जरूरी है, सब सब्सक्राइबर मिल गए तो थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। का वीडियो बहुत देखते हैं सच में? हाँ। कहाँ से हो आप? रेलवे स्टेशन मणिपाल। जयपुर से? हाँ, मणिपाल। प्रॉपर जयपुर से हो? हाँ। अरे थैंक यू, जयपुर के भी हमारे लोग देखते हैं क्या? हाँ। हम तो गांव से है ना इसलिए। अरे पक्का? हाँ। ठीक है आपका इनवाइट है, मेरे घर पे चाय पी के जाना एक दिन। अब मैं एड्रेस बताऊंगा ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, अभी कैमरा बंद हो जाएगा ना उसके बाद मैं एड्रेस दूंगा, है ना। और आप बढ़िया अच्छे हो? चलो थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली फ्री हो चुके हैं, 8:30 बज गए, वैसे भी सिटी पार्क बंद होने वाला है, तो हम जा रहे हैं बाहर चाय पानी पी के फिर निकल जाएंगे। तो गाइस एक और सब्सक्राइबर मिला है, वो बहुत पुराना है, जो मेरा 2017-16 वाला चैनल था देव सिंह की तरह, तब से जुड़े हुए ना। हाँ तब से जुड़ा हुआ मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। चलो गाइस सिटी पार्क का पूरा आज का सीन खत्म, देख लिया बढ़िया मस्त,
अंकिता को तो अभी भी नहीं छोड़ रहे, अब जाके फ्री हुई है। बट सही है यार, इतना प्यार तो करते हैं आप लोग हमसे। चला जा। तो गाइज अब हम चलते हैं, बाय बाय सिटी पार्क। चलो दोस्तों देख लिए सिटी पार्क को, 9 बजने वाली है, वैसे भी सिटी पार्क बंद होने वाला है, तो बहुत मजा आया और होप करेंगे नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो ऐसे मजा आएगा। अब हम जा रहे हैं घर पे, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड आए हुए हैं उन सबको टाइम देता हूँ, बात करता हूँ, आया तब से उनसे बात ही नहीं हो रही मेरी ना। तो अब चलते हैं भाई, सब वेट कर रहे हैं, फिर चाय पानी पी के इनकी फिर निकल जाएंगे हम लोग।